तो नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा 28 अप्रैल का मैच। कौन सा मैच है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप YouTube पे भी देख सकते हैं, Facebook पेज में ऐसे टेलीकॉम के देख सकते हैं, और ये वीडियो आप अगर देखना है तो स्मार्ट टेलीकॉम के चैनल में भी जाकर देख सकते हैं। ये है हमारी स्मार्ट क्लासेस, जो कि आपको यहाँ पे इतने बड़े पैनल में आपको लाइव बोर्ड और अच्छे क्लियरिटी के साथ यहाँ पे पढ़ाया जाता है, सॉफ्टवेयर भी प्रैक्टिकल जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सारे स्टूडेंट से। आज इनका सॉफ्टवेयर का क्लास खत्म हुआ है, जैसे कि मैं बता दूं हार्डवेयर इनका खत्म हो चुका है और इनका सॉफ्टवेयर खत्म हुआ है। तो सारे स्टूडेंट से हम पूछेंगे क्या वो सॉफ्टवेयर का काम सीख पाए कि नहीं पाए, हम इनसे दो दो सब पूछेंगे सारा कुछ। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरा डे की फ्लैशिंग कौन बंद कर लेगा? कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस? आ जाइए, अपना नाम बताइए और कहां से हैं? सर मेरा नाम है विकास, मैं वेस्ट बंगाल से हूं। जी आप वेस्ट बंगाल से, आप इससे पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे? सर मैं सॉफ्टवेयर का कुछ भी नहीं जानता था, मैंने एकदम जीरो था। अभी आपको कैसा लग रहा है, आप काम सीख पाए या नहीं सीख पाए? आपने से टेलीकॉम सही ज्वाइन किया? सीख पाया सर जी, जी तो बहुत कुछ सीखा उसमें से। आपसे भी यही सवाल, आप इससे पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे या नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते थे। अब आपको किसी भी फोन की अनलॉकिंग या फ्लैशिंग के लिए दे दिया जाए तो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जैसे ऊपर से चला गया? नहीं नहीं, नहीं। सारा कुछ प्रैक्टिकल दिया गया? प्रैक्टिकल। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से हैं? मेरा नाम कार्तिक कुमार है, मुंबई जाता हूं। जी कार्तिक जी, आप हमें ये बताइए इससे पहले सॉफ्टवेयर में काम करते? सॉफ्टवेयर सर नहीं करते, बट थोड़ा बहुत फ्री वाला टूल यूज करते थे। सॉफ्टवेयर ऐसे का कोई बड़ा सा भारी भी नहीं है, आसान है, बट जो ना सीखे रात रात भर के जल्दी जो करते थे नहीं कर पाते थे वो आज वन क्लीन में। तो कैसा लगा आपको, मतलब जो लग रहा था अरे यार बहुत लेदी होगा, बहुत बड़ा होगा, बट ये बहुत जरूरी था, सब जरूरी आपने बता दिया, सब कुछ भी प्रैक्टिकल? यस प्रैक्टिकल। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहां से है? मेरा नाम है राहुल, मैं असम से हूं। जी असम से इतनी दूर एसआई टेलीकॉम, ये आपने सोचा था कि अरे एसआई टेलीकॉम हम जा रहे हैं, हम वहां ज्वाइन कर रहे हैं, अरे सॉफ्टवेयर कैसा पढ़ाया जाएगा, कैसा इस संबंध में था? हां सर बहुत कुछ था मेरे को सॉफ्टवेयर में, मतलब कुछ भी मालूम नहीं था, मैंने तो तो कैसा लगा एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा सर, सॉफ्टवेयर क्लास का। तो ये प्रैक्टिकल भी किया आपने? हां सर प्रैक्टिकल। तो ओवरऑल अभी भी फ्रेशर है क्या अभी आप? अभी आपको अनलॉकिंग के लिए फ्लैशिंग के लिए दे दिया जाए, कर पाएंगे भैया? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, मेरा नाम कौशल सिंह है, जी यूपी से। तो हमें बताइए कन्नौज, तो आप यहाँ पे ये बताइए आज हमारा सॉफ्टवेयर का लास्ट दिन है, कैसा रहा? आप इससे पहले सॉफ्टवेयर में काम करते नहीं, थे? नहीं, नहीं करते। अभी आपको किसी भी चीज की अनलॉकिंग या फ्लैशिंग दे दी जाए, कर पाएंगे? कर पाएंगे। कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? बहुत बढ़िया रहा। ऐसा तो नहीं फ्रेशर स्टूडेंट को अलग पढ़ाते हो और जो पहले से काम कर रहे हो तो अलग? ऐसा नहीं है, सबको इक्वल लेके चल रहे थे, सबको एक नॉलेज दी गई हमें, सबको एक नॉलेज। यूट्यूब वाला नॉलेज तो नहीं दिया? नहीं यूट्यूब वाला नॉलेज नहीं है, बहुत सी कुछ ऐसी चीजें बताई गई जो यूट्यूब पे भी नहीं दी। नहीं ये सारा कुछ डीप नॉलेज प्रैक्टिकल के साथ डीप नॉलेज है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ बैठ जाइए। हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम और कहां से आप? मेरा नाम नितिन कुमार साहू है, मैं छत्तीसगढ़ से हूं। नितिन जी आप हमें ये बताइए सॉफ्टवेयर में से पहले काम करते थे आप? पहले करता था सर। कितने कितने सालों का एक्सपीरियंस है? मेरा तो सर लगभग 10 साल। अब देख सकते हैं यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस, बस आपसे इतना छोटा सा सवाल, 10 साल का एक्सपीरियंस और 3 दिन का एक्सपीरियंस? सर 3 दिन बारी है। 10 साल में कुछ नहीं कर पाते, बहुत सारे गलतियां होती थी, लेकिन यहाँ आके जो चीज़ है सब क्लियर हो गया। अब यहाँ जाने पर जो भी सिखाएगा हम उसको फ्रेशिंग और लॉगिंग सब कर सकते हैं। जी अगर मैं फ्रेशर से तो ये बात नहीं पूछ सकता हूँ, आपसे ये बात पूछता हूँ, जो यहाँ पे नॉलेज दिया गया तो ये फ्रेशर स्टूडेंट को क्या है वो यूट्यूब वाला नॉलेज दिया गया? नहीं यूट्यूब वाला नहीं है ये, तो जो है भी नहीं है जो यहाँ पढ़ाया गया। हर एक फाइलों की डिटेलिंग, हर एक एरर, ये सारा कुछ लाइव देखा? लाइव देखा। अगर आपका एरर आता था तो क्या करते थे आप? सर एरर आता था यूट्यूब में सर्च मारते थे, देखते थे, नहीं वापस करते थे, ये दूसरा चैनल देखते थे। तो यहाँ पे जो आपने देखा सारा एरर देखा, मेरा डे की बात करें, क्वालकॉम की बात करें, कितने टाइम में फाइंड आउट कर देते थे?
बस दो तीन मिनट में कंप्लीट हो जाता था सारा पूरा। तो चलिए एक सवाल है साहब, आपसे और पूछते हैं कि 10 साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे जो फ्रेशर स्टूडेंट भी है, तो क्या उनको सही गाइडलाइन दी गई कि गलत गाइडलाइन? सही गाइडलाइन दी गई। अब वो सीख पाएंगे कि चलेंगे नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपका एक्सपीरियंस इनको 3 दिन में कैसा लगा कि सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे? कर पाएंगे, इतना सरल तरीके से समझाया गया है कि कोई फर्स्ट टाइम देखे वो सीख सकता है, कर सकता है, कर सकता है। आपको कुछ नया मिला इस 10 साल में? मिला सर, तो 3 दिन में मिलेगी हमको। पहले दिन समझ में आ गया था कि हमारे क्या क्या गलती कर रहे थे, वो सब पकड़ में। ऑफलाइन ऑनलाइन का मसला है? नहीं, आपसे भी पैसे कभी लिए गए होंगे? नहीं, हाँ आपसे लिए गए, बोलते होंगे क्रेडिट लगता है, सर्वर से कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता था, हम दूसरे दुकान पे जाते थे, बोलते थे कि हाँ इसमें लगेगा, इतना क्रेडिट कटेंगे, पैसे लेंगे। अभी कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा। उनके फोन आप करेंगे? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक्सपेक्ट हो रहे हैं, अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम दुर्गा है, मैं यूपी सुल्तानपुर जी। आप हमें ये बताइए, इससे पहले आप सॉफ्टवेयर में काम करते थे? जी सर। कितने सालों का आपका एक्सपीरियंस? सर लगभग 10 साल। आप बैठा फुल्का नहीं होता है, ये बहुत बड़ा 10 साल का एक्सपीरियंस होता है सॉफ्टवेयर में। तो बताइए 10 साल में कहाँ फंस रहे थे आप, जो आपने सोचा ज्वाइन करना चाहिए? सर यूट्यूब से देख देख कर रहे थे। जी जी जी। और इतना आसान, जितना आसान आज हो गया है ये पहले हमें मिला होता आज आज के 2-3 साल। आप भी कहीं पढ़ा रहे होते? सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर बहुत अच्छा। ये 10 सालों का एक्सपीरियंस और 3 दिन का एक्सपीरियंस? सर 3 दिन में सारा कुछ मिल गया। तो इनको गलत गाइडलाइन तो नहीं दी गई? नहीं सर, ये तो सर बहुत भाग्यशाली है कि उनको सबको बेहतर मौका मिल रहा है। तो सर हम तो इतना दिन से काम कर रहे हैं, तभी ने मौका मिला था, आज मौका मिला जाएगा। तो अच्छा एक सवाल आपसे, एक बात की, जो 10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं, तो उनको एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ज्वाइन करना। ये ऐसे टेलीकॉम कैसा लगा आपको ज्वाइन करके? ऐसे टेलीकॉम सर बहुत बेस्ट है। अभी आपको आगे भी बेस्ट मिलने वाला है मिलन सर के साथ, क्योंकि और भी उसके साथ जो हमारा डाटा के वजह से नहीं हुआ, अब वो काम किस में होगा? एमएनसी में होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट हो रहा है, जाइए अपना नाम बताओ। जी आप बताइए, इससे पहले आप सॉफ्टवेयर में काम करते थे? तो जैसे कि आपके सामने 10 साल का एक्सपीरियंस बैठे हैं, तो इनको क्या अलग पढ़ाया गया या आपको अलग पढ़ाया गया? सबको बराबर पढ़ाया गया। तो अभी उनके लेवल में आप आ गए कि नहीं आ गए? सर आ गए। अगर इनको एक फोन दे दिया जाए, वही फोन आपको दे दिया जाए, तो दोनों सेम टाइम लगे या टाइम चेंज लगेगा? नहीं सर सेम टाइम। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा रहा सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम और कहां से आए? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आप भी हैं, साथ में आए क्या? नहीं, अच्छा साथ ही आए। अच्छा, ओवरऑल कैसा इस फील्ड में आप सॉफ्टवेयर काम करते थे? कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? ऐसा तो नहीं सब सारी चीजें हवा में ऊपर चली गई? नहीं नहीं, जो आपके डाउट से वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सपोर्ट मिल रहा था जो आप काम कर रहे थे, अगर नहीं फंस रहे थे तो आपको बताया गया? नहीं बताया बताया। कैसा रहा ये 3 दिन का सॉफ्टवेयर? ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहां से? सर मैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से इतनी दूर मौलाना जी, आप हमें बताइए कि आपसे पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे? कितने सालों का एक्सपीरियंस? क्योंकि थोड़ा बहुत इन्होंने भी बोला था, पर 10 साल हो गया आपका एक्सपीरियंस। अच्छा ये आप लोग झूठ तो नहीं बोल रहे? सच बोल रहे आपका? ये थोड़ा बहुत नहीं पता है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। तो बताइए 10 साल का एक्सपीरियंस और ये 3 दिन का एक्सपीरियंस बहुत भारी है। मीन्स आप कहीं फंसते थे या नहीं फंसते थे? फंसते थे। जो फाइलों का नॉलेज हमने दिया, आज सैमसंग की बात करते हैं, सैमसंग की मैंने प्रॉपर फाइलों का बताया आपको, किसी भी यूट्यूब या किसी भी साइट पर डाला नहीं मिलेगा। हर एक का वर्जन चेक करना, हर एक की उसकी डीप नॉलेज मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं यूट्यूब में नॉलेज नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं फ्रेशर से बात पूछूं तो शायद वो ना बता पाए, पर अगर ये चीज आपसे पूछ रहा हूँ कि इनको गलत गाइडलाइन तो नहीं दी गई? नहीं बिल्कुल नहीं, सही गाइडलाइन दी गई। सीख पाएंगे वो आगे चल के काम कर पाएंगे? सीख पाएंगे, सीख पाएंगे, मेहनत करना है, क्योंकि आपका 10 साल में आपने वो चीज सीखा है, मैंने इनको 3 दिन में देने की कोशिश की है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से है? आपकी है, तो आप सॉफ्टवेयर कहाँ कराते हैं? मार्केट से करा देते था, बहुत सारा झेलना भी पड़ता था। मार्केट से करा देते, क्या बोलते थे मार्केट में आपको सॉफ्टवेयर के लिए? मार्केट के लिए जो ऑफलाइन को, जो आप हमको ऑनलाइन ट्रिप को ऑफलाइन में कन्वर्ट किए, जी जी जी, वो हम लोग लेके जाते थे तो बोलते थे ये ऑनलाइन, इसका आपका चार्ज इतना देना पड़ेगा, और ओवरऑल सारे जितना भी हॉल करते थे तो सब वही बात। अच्छा
ऐसा नहीं कि कोई एक बोला है, मतलब जितना भी कर रहे थे सब वही बोल रहे कि इसको ऑनलाइन करना था। अब आप मार्केट का काम करेंगे नहीं करेंगे? एकदम बेहतर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं करेंगे, दिक्कत नहीं करेंगे। तो कैसा रहा ओवरऑल सॉफ्टवेयर की क्लास? ओवरऑल क्लास बहुत एकदम अच्छा रहा, हर चीज का सटीक जानकारी जो होता है वो हम लोग को दिया गया ताकि कोई कहीं फंसे ना। जितना डीप से डीप हुआ बताया गया कि कहां से फाइल है, कौन सा फाइल हमें स्टोर करना है, कितना, वेरी गुड, कौन सा फाइल आपको यहां पे लेना है, कौन सी डाउनलोड करनी है, कहाँ से इरर है, ये इरर कैसे दूर होगा, जहाँ तक ड्राइवर इंस्टॉल करने की भी बात है उसका भी इरर आता है और उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट बग से फंस जाते हैं। मतलब उस इरर को हमने के सामने प्रैक्टिकली फेस किया गया और उसको डिसेबल करके फिर से इंस्टॉल किया गया और हम हुआ सक्सेस। तो ये सही बोल रहे हैं एकदम, ऐसा कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ तो नहीं बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से? मनोज कुमार, बिहार से आया। मैं इनको बताना चाहूंगा कि अगर आप दो साल या एक साल के पहले अगर आप जाते हैं, डेढ़ साल पहले, तो ये चेहरा आपने कहीं ना कहीं फिर से देखा होगा और ये चेहरा फिर से आज आप देख रहे हैं। तो बताइए, आप ही खुद बताइए क्या है एक्सपीरियंस आपका, कैसा कह रहा हूँ, क्यों आप अभी खड़े हुए? पहले मैं एमएनसी करके गया था, एमएनसी करके गया था, बहुत फाइलों में फंस रहा था जी, लेकिन डाउन क्लियर करके किसी भी तरह से कोई फाइल से निकल लेता था, तो कोई मतलब फोन मतलब चालू कर देता था, मुश्किल से चालू होता था जी, मतलब दो घंटा तीन घंटा लगता था, जबकि यहाँ पर आया तो सटीक जानकारी मिली कि कौन सा मतलब। तो मैं जो एमएनसी डायरेक्ट करते हैं उनको सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिना नॉलेज के वो एमएनसी कर सकते हैं क्या? नहीं सर। बिना हार्डवेयर के वो एमएनसी कर सकते हैं क्या? क्योंकि जब अगर मान लीजिए मिम्सी स्टोरेज आईसी को उठाना है तो ब्लैक पेस्टेड करना पड़ेगा, व्हाइट पेस्टेड करना पड़ेगा, तो हार्डवेयर में आ गए ना वो। तो ओवरऑल आपको कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला? बहुत नया सीखने को मिला सर, बहुत बढ़िया से, मतलब ये सैमसंग की फाइल भी फंसते थे जी जी, तो पता नहीं था कि कौन सा फाइल, इतना फाइल दिखाता है एक ही मॉडल का जी जी, हम थोड़ा ये वीडियो देख रहे थे पूरा परेशान। तो अभी कैसा, आप कितने टाइम में उसकी फाइल डाउनलोड कर लेंगे? अभी तो एक पीस से एक ही निशाना मारेंगे 50 में से। कैसा रहा ओवरऑल? बहुत बढ़िया से, सुपर सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और एमपी से सत्ता पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। कैसा, आपसे पहले सॉफ्टवेयर में काम करते? नहीं सर, बस सर। कैसा रहा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, जीरो से इतना डीपली नॉलेज दिया सर कि कुछ बता नहीं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं फाइलों का नॉलेज, या फिर जो पहले से 10 साल से काम कर रहे हैं, क्या उनको अलग पढ़ाते थे कि नहीं? नहीं सर, सबको इक्वल लेकर चले आप। कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? बहुत। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अपना नाम और कहाँ से आप बताइए? डायरेक्ट कस्टमर का फोन ना पकड़े, पहले अपने आप को समय दे, अपने आप पे पहले टाइम बिताए कि कैसे क्या होता है, मार्केट में काम कैसे आता है, काम कैसे करना है, तब जाके आपको कस्टमर का सेट हैंडसेट पकड़ना है। पर फिर भी ओवरऑल कैसे ये सॉफ्टवेयर निकला? बहुत अच्छे रहे सर, हर एक चीज समझ में आई आपको? बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, खड़े जाइए वहीं पे। हमारे साथ स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहां से? साहिब पंजा कुमार, बिहार से। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस आप? बहुत अच्छे सर। अगर आपको अनलॉकिंग और फैसिंग के लिए फोन दे दिया जाए तो कर पाएंगे आप? जी सर, कर पाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। वहीं से खड़े जाइए। मेरा नाम अंदाज है, मैं महाराष्ट्र से हूं। कितने चार्ज लेते थे अनलॉकिंग के या एक क्लासिक के? 200-400। तो अब वो पैसे लग रहे कहीं ना कहीं? अरे काम पहले सीख लेते तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? अगर आपको फाइलों की नॉलेज बताया जाए, आपको अगर ड्राइवर पूछा जाए, टूल पूछा जाए, तो बता पाओगे कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम जी शंभू जी, आप महाराष्ट्र से इतनी दूर ऐसे टेलीकॉम आपने ज्वाइन किया, ओवरऑल आप इससे पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल नहीं। मार्केट में आपकी शॉप है? अभी आपका काम जो आएगा फिर भी मार्केट में जाएगा या खुद करेंगे? नहीं सर, खुद करेंगे। अनलॉकिंग की बात करें, फ्लैशिंग की बात करें, प्रैक्टिकल दिखाएगा कि बस ऐसे? सब प्रैक्टिकल दिखाया। पहले मुझे सॉफ्टवेयर का काम बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अगर इधर आया मैं अभी 3 दिन में इतना सीखा हूँ ना,
या अभी कौन सा फोन आ जाए मैं 10-15 मिनट में कर दूंगा। तो हमें पढ़ाने का तरीका कैसा रहा? बहुत बढ़िया। ज़्यादा हार्ड तो नहीं था? नहीं सर, स्टेप बहुत ईजी थे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ स्टूडेंट और है, अपना नाम बताओ। सौरभ, यूपी से। सौरभ जी बताइए, इससे पहले आप सॉफ्टवेयर में काम करते थे? नहीं, कभी नहीं। तो बताइए, अभी आपको दे दिया जाए लाइव कि चलिए आपको फोन को अनलॉक करना है, अनलॉक करना है, कर लेंगे, छुट्टियां कर देंगे, ऐसा बोल तो नहीं रहे आपको? बोल रहे हैं, मैं अपने से बोल रहा हूं। कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपके साथ? जो आपके साथ 10 साल के एक्सपीरियंस है, उन्होंने तो बोला होगा अरे सर गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको तो नॉलेज नहीं था। अब तो मैं 10 साल में भी टक्कर दे सकता हूं। दे सकते पर मेहनत है, ऐसा नहीं, उन्होंने 10 साल इस फील्ड में दिया है। आप भी एज अ फ्रेशर है, ऐसा पॉसिबल कहीं नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो जो 10 साल से मेहनत कर रहे थे, आप 2-3 महीने और कर दोगे तो उनके लेवल में आप चले जाओगे। कैसा रहा होगा? नॉलेज मिला है कि आप लेवल में तो आ ही जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, बताइए अपना नाम और कहाँ से आप? राम प्रसाद, महाराष्ट्र। राम प्रसाद जी, इससे पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे, कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा? बहुत ऊपर से तो नहीं चला गया? नहीं, अच्छा है, कर पाएंगे भी आप सॉफ्टवेयर? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? सर मेरा नाम है अरुण, मैं यूपी से हूँ। अभी तक सर मैं सॉफ्टवेयर करता था, लेकिन सॉफ्टवेयर में 2-2 घंटे 2.5 घंटा वेट हो जाता था। जी जी जी, पहले तो कितने सालों से कर रहे हैं? सर मुझे टोटल 6 साल हो गए काम करते हुए। 6 साल का एक्सपीरियंस रहा, तो बताइए 6 साल का एक्सपीरियंस और 3 दिन का एक्सपीरियंस। हकीकत बताएं, मुझे यही कंफ्यूजन रहती थी कि इस फोन में कौन सा टूल यूज करेंगे। जी जी, वो आज मुश्किल से आपने 15 मिनट में जो बताया वो पूरा क्लियर हो गया। 15 मिनट में टूल पता चल गया कि कौन से फोन में कौन सा टूल होगा, आपने एक सीपीयू वाइज बता दिया। तो ये तरीका सही है या जो YouTube पे चल रहा है वो तरीका सही है? मैं कहूंगा सर ये तरीका बहुत ज्यादा सही, YouTube से तो एकदम ही हटके। YouTube में तो ऐसा कोई YouTube वाला नॉलेज मैंने दिया, YouTube में सर कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं जी। वो इससे नहीं हो, वो तो अपनी वीडियो स्किप करके, उनको तो वीडियो बनानी है, वो अपनी वीडियो बनाते हैं, मेन पर्सन उनको वीडियो से चाहिए होता है। ये तरीका बिल्कुल बेस्ट है और आपकी क्लास 3 दिन में बहुत बढ़िया सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट बैठ जाइए, बैठ जाइए, सबको सब लोग बैठ जाइएगा। लास्ट सर मेरा नाम अजय, मैं खासकर उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से इतना दूर ऐसे टेलीकॉम, क्या सोच के ज्वाइन किया था? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में थी, आप सॉफ्टवेयर में काम करते थे पहले? नहीं, अगर आपसे अभी लाइव एक फ्लैशिंग करा दी जाए सैमसंग की हो, चाहे आईफोन की हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम सीपीपी हो, तो कर पाएंगे? नहीं कर सर, कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम तो कर रहे थे, स्टूडेंट कर रहे थे, स्टूडेंट कर रहे। कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। अगर बात करें सॉफ्टवेयर की फाइलों के बारे में, ड्राइवर्स के बारे में, सब कुछ फाइंड आउट कर पाएंगे? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ स्टूडेंट और, अपना नाम और कहाँ से है? मैं बिहार से, मेरा नाम निकास है जी, और आज सॉफ्टवेयर की क्लास हुआ है, और जो भी सॉफ्टवेयर के आएगा चुटकी में कर दूंगा। मेहनत करना है सर, आप बिना मेहनत के कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है। आपको नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स लिखवाए कि नहीं लिखवाए? यस सर। हर एक चीज प्रैक्टिकल दिया कि नहीं दिया? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। लास्ट में एक स्टूडेंट और है, इनका कैमरा पकड़ लेना थोड़ा सा, वहीं पे खड़े थे। अच्छा, आ जाओ। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है लास्ट, और ये बताइए आप मेरा नाम और कहां से? अच्छा, इससे पहले आप सॉफ्टवेयर में काम करते थे? जी सर, नहीं, पहले तो सिर्फ हार्ड रीसेट करते थे, हुआ तो हुआ रीसेट के लिए, वरना दूसरे दुकान पे लेके जाते, वो फिर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा 300-400 रुपये ले लेता है। लेकिन आप खुद से बनाऊंगा सर, ये 100% शेयर है। ये दिल से बोल रहे हैं आप? सर दिल से बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बैठ जाइए। लास्ट में एक फटाफट आ जाओ सामने, आ जाओ, बैठ जाइए सभी लोग वहाँ पे। चलिए, तो आपके हाथ में क्या है सबसे पहले तो वो दिखाइए, दिखाइए सभी लोग ऐसा करके, सभी कैसा कैमरा दिखाइए, ऐसा कैमरा थोड़ा सा मूव करिए सभी को, ऐसा थोड़ा दिखाइए। कितनी वैल्यू है इसकी? आप देख करके फाइंड आउट कर पाओ, रिवीजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल कैसी रही सॉफ्टवेयर की क्लास? ऐसे ही अगर आप फेसबुक में देख रहे हो, अगर ये वीडियो रिपीट देखना है, अगर आपने नहीं देखा है, स्मार्ट टेलीकॉम के चैनल में जाकर के ये वीडियो देख सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।